नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के CGPSE और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग जो छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसका क्या क्या इफेक्ट था उसको देखेंगे, साथ ही साथ रायपुर षड्यंत्र केस जो परसराम सोनी के नेतृत्व में हुआ था वो क्या था उसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ है? ये अगस्त 1940 में। देखिए, हमको छत्तीसगढ़ को देखने से पहले भारत को देखना पड़ेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह अपने सिर्फ छत्तीसगढ़ का दिन नहीं है, ये भारत का भी दिन है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त 1940 में हुआ था। क्या था? अगस्त 1940 में बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया था, जो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में दिया था। इसको एक तरीके का हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन ही बोल सकते हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी के आह्वान पर देश भर में सत्याग्रह आरंभ किया गया था। अब ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, मतलब इसका उद्देश्य ये था कि अब हम लोग अंग्रेज़ों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। अंग्रेज़ों को नुकसान होगा लेकिन कम नुकसान पहुँचाए, क्योंकि अंग्रेज जो है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके कारण ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, तो गांधी जी नहीं चाहते थे उनको और ज़्यादा मुसीबत हो। तो इसलिए क्या है, हम क्रांतिकारी गतिविधि करेंगे लेकिन कुछ लिमिट में, जिससे क्या हो, अंग्रेज़ों को कम नुकसान हो। क्या हुआ था भारत में, गांधी जी ने क्या किया है, दो प्रथम, जैसे अगर पूछेगा कि भारत के प्रथम सत्याग्रही कौन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के, तो कौन है, विनोबा भावे। और भारत में दूसरा सत्याग्रही कौन था व्यक्तिगत सत्याग्रह का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने प्रारंभ में 500 सत्याग्रहियों को चुना था, जिसमें से हमारे रायपुर से कितने लोग थे, 50 लोग थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए रायपुर से कितने लोग हैं, 50 लोग। कितने हैं, 50 लोग। बाद में गांधी जी ने और अधिक लोगों को सत्याग्रह करने की अनुमति दे दी थी, मतलब जाओ सत्याग्रह करो लेकिन थोड़ा देख करके, ज़्यादा अंग्रेज़ों को नुकसान ना हो। बात करें हम लोग 4 मई 1941 तक महाकौशल, मतलब छत्तीसगढ़ के 2761 सत्याग्रही हो गए थे। 4 मार्च 1941 तक महाकौशल में कितने हो गए हैं, 2761 सत्याग्रही हो गए हैं, जिसमें से रायपुर से सबसे ज़्यादा थे, 473 थे, और दुर्ग से 107 थे। अब हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या हुआ है। रायपुर में 27 नवंबर 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ से इस आरंभ किया है, 27 नवंबर 1940 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना से सत्याग्रह को स्टार्ट किया है। अब सत्याग्रह स्टार्ट किए तो जैसे ही सत्याग्रही बनोगे, मतलब सीधा सा है, अंग्रेज़ क्या करेंगे, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या किया, उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और 1 साल का सजा सुना दिया था। गिरफ्तार होते ही पूरे रायपुर में हड़ताल हो गया कि कैसे पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिए, और 74 लोगों ने कहा कि लो हमको भी गिरफ्तार कर लो। कर बात करें, ये तो हुआ अपने रायपुर का। बिलासपुर से थे राम गोपाल तिवारी जी थे, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी थे, यदुनंदन प्रसाद मिश्र जी थे। इन लोग भी क्या करेंगे, छोटा मोटा धरना देंगे, क्रांतिकारी गतिविधियां करते रहेंगे, जैसे शराब मत बेचो, ये सब जो छोटा मोटा काम था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था, स्वदेशी को बढ़ावा, ये सब काम यहाँ भी होते रहेगा। अब ये सब करने के चक्कर में क्या कर रहे थे, अंग्रेज इन सबको गिरफ्तार कर ले रहे थे। तो बिलासपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह को किसने किसने चलाया है, तो राम गोपाल तिवारी ने, ज्वाला प्रसाद मिश्र ने, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने। दुर्ग में किसने चलाया है, तो घनश्याम सिंह गुप्त ने, महंत पुसौदास जी और वाईवी तामस्कार जी, डोनगांवकर जी, श्री मोहनलाल, श्री राजकुमार सिंगरौल, श्री रत्नाकर झा, इन लोगों ने चलाया है दुर्ग में। रायपुर से दो नाम और थे दोस्तों, ठाकुर छेदीलाल का और चिंतामणि ओसवाल। इन सबको याद रखना है, क्या अपना PSC कुछ भी पूछ सकते हैं, बताओ व्यक्तिगत सत्याग्रह में दुर्ग से कौन कौन थे, तो सबका नाम याद रखना पड़ेगा, या कौन सा इनमें से नहीं है। तो ये सब है अपने PSC का, सबको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्या है, आंदोलन में सरकार को आखिरकार क्या हुआ, झुकना पड़ा व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण। और दिसंबर 1941 में क्या हुए, सभी सत्याग्रही को उन लोगों ने क्या कर दिया है, रिहा कर दिया है। दिसंबर 1941 में क्या गया है, सभी सत्याग्रही को रिहा कर दिया गया है। और क्रिप्स मिशन योजना की सफलता हुई। अब आगे देखते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन योजना की असफलता,
कि क्रिप्स मिशन योजना क्यों असफल हो गया था और इसमें ई राघवेंद्र राव जी का क्या भूमिका है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव था क्या। इसमें जो चर्चिल थे ब्रिटेन के, उन्होंने 11 मार्च 1942 को स्टैमफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इसकी घोषणा की और युद्ध के बाद भारत को क्या बोला कि अब भारत को हम लोग डोमिनल स्टेट बना देंगे। डोमिनल स्टेट मतलब क्या होगा, लगभग आज़ाद रहेगा लेकिन उसका जो चलाने का काम करेगा वो ब्रिटेन करेगा, डोमिनल स्टेट का दर्जा देंगे। और बोल दिया कि जाओ तुम अपने लिए एक संविधान निर्मातृ परिषद का भी गठन कर लो। यही चर्चिल ने 11 मार्च 1942 की घोषणा कर दिया। लेकिन गांधी जी ने बोला कि ये क्या है, एक गांधी जी ने ये क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा है, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब ऐसा चेक जिसका डेट क्या है, ख़त्म हो चुका है। क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा है गांधी जी ने, पोस्ट डेटेड चेक कहा है। और इसका बहुत बहिष्कार किया गया था, अब हमको डोमिनल स्टेट नहीं बनना है, हमको इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है, ऐसे करके फूल हुआ। तो क्या हुआ, 11 अप्रैल 1942 को फिर क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। 11 मार्च 1942 को घोषणा और 11 अप्रैल 1942 को क्या हुआ, क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग रायपुर षड्यंत्र केस, क्या देखेंगे, रायपुर षड्यंत्र के केस ये कब हुआ है, तो 1942 में ही हुआ है। इसके हीरो कौन है, तो परसराम सोनी जी हैं। और ये क्या था, तो रायपुर के अवधिया पारा के थे, परसराम सोनी कहाँ के थे, तो रायपुर के अवधिया पारा के थे। स्टोरी के रूप में बनाया हूँ दोस्तों, आप लोग को आराम से याद हो जाए करके। ये अपने परसराम सोनी जी हैं, इनको जो पिस्तौल और रिवॉल्वर चलाना साथ ही साथ बनाना किसने सिखाया है, तो एक लोहार था गिरीलाल करके, गिरीलाल नामक लोहार ने इनको क्या किया है, पिस्तौल और रिवॉल्वर बनाना सिखाया है परसराम सोनी को, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब परसराम सोनी क्या हो गए, पिस्तौल बनाना सीख गए हैं, रिवॉल्वर बनाना सीख गए हैं, तो अब परसराम सोनी का मन हुआ कि अब चलो अब मैं बम भी बनाऊँगा और विस्फोटक सामग्री बनाऊँगा, कारतूस बनाऊँगा, देसी बम बनाऊँगा। ये मतलब क्या है, सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे कि अब मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसे अंग्रेज पूरा हिल जाएं, तो पूरा बम बनाने का इन्होंने सोच लिया था परसराम सोनी जी ने। अब एक बार की घटना देखते हैं हम लोग, कहाँ का है ये, ईदगाह भाटा या रावण भाटा का। क्या हो रहा था, ये जो परसराम सोनी है अपने दोस्तों के साथ बम बना रहे थे, अचानक से क्या हुआ, एक बम नीचे गिर गया और फूट गया। तो जैसे ही फूटा तो जो राजकुमार कॉलेज का प्रिंसिपल है उसको ये बात पता चला, उसका नाम क्या है, मिस्टर पियर्स। तो वो जा करके तुरंत क्या करता है, अंग्रेज़ों को बता देता है। मिस्टर पियर्स क्या करेगा, जा करके अंग्रेज़ों को बता देगा, तो ये परसराम सोनी उन्हीं लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर जब पूछताछ हो जाती, नहीं हम लोग तो वहाँ फोड़ते ही नहीं थे, ऐसे करके बोल देंगे। तो उसके बाद क्या होता था, अब उस समय क्या किया, अब वहाँ से भागे, उसके बाद क्या हुआ, मालवीय रोड में स्थित एक होटल ओरिएंटल के मालिक ने उन्हें इन खतरनाक कार्यों के लिए जगह प्रदान किया। अब वहाँ का तो पता चल गया है अंग्रेज़ों को, तो अब क्या किया है, ओरिएंटल का जो होटल का जो मालिक है उसने क्या किया, इनको जगह प्रदान किया था। उसके बाद ये जो है इन क्रांतिकारियों का गुप्त कार्यालय बन चुका था। अब जो परसराम सोनी का एक सहयोगी था शिवनंदन, ये क्या हुआ, पुलिस का मुखबिर बन गया। अब पुलिस को शक हो गया था ना कि इन लोग बम बना रहे हैं, तो इन्होंने इनके ही एक दोस्त को जो था शिवनंदन, ये निकला यहाँ पर दगाबाज परसराम सोनी को। अब परसराम सोनी कब बंदूक लेने जा रहे हैं, जाकर के पुलिस को बता दिया। क्या किया है इसने, परसराम सोनी जब बंदूक लेने जा रहे थे तो पुलिस को बता दिया। फिर क्या हुआ, 14 जुलाई 1942 को परसराम सोनी रिवॉल्वर एवं कारतूस लेने गए थे। अब पुलिस ने उन्हें रंगों हाथे पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया, वही उनका दगाबाज दोस्त, पुलिस को जाकर के बता दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर सबको गिरफ्तार करना शुरू, गिरिलाल लोहार, रणवीर सिंह शास्त्री, डॉक्टर सूर, मंगल मिस्त्री, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद क्या हुए, और भी लोगों को गिरफ्तार किया, टोटल 10 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, सुधीर मुखर्जी, भूपेंद्र नाथ मुखर्जी, सुरेंद्र दास, सीताराम शास्त्री, क्रांति कुमार भारती, दशरथ लाल चौबे, कुंज बिहार चौबे, इन सबको क्या कर लिया अंग्रेजों ने, गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद क्या करेंगे, उनका मुकदमा चलाएंगे। तो उन पर मुकदमा चला, तो जो वकील थे उनकी पैरवी कर रहे थे कि नहीं इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है ऐसे वैसे करके, तो वो थे श्री पी भादुड़ी, बेनी प्रसाद तिवारी, अहमद अली चंदोरकर, चुन्नीलाल अग्रवाल। इन्होंने क्या किया, 9 महीने तक इसका पैरवी किया है कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसे वैसे करके, इनको फंसाया जा रहा है, ये सब कहीं ना पैरवी करते रहे ये सब वकील लोगों ने।
बाद में क्या हुआ, 27 अप्रैल 1943 को शस्त्र अधिनियम के तहत, मतलब क्या है, हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार में 10 लोगों को क्या क्या सजा हुआ वो आप लोग को आगे बता रहा हूँ। वो जो गिरिलाल लोहार था ना, जो परशुराम सोनी सिखाया था, उसको हुआ 8 साल का सजा। उसके बाद दूसरा मेन समझिए, परशुराम सोनी, इनको हुआ 7 साल का सजा। सुधीर मुखर्जी और क्रांति मुखर्जी, इनको हुआ 2-2 साल का सजा। बाकी जो 6 लोग बचे उनको क्या क्या हुआ है, 1-1 साल का सजा दिए हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ तो इनको सजा दे दिया गया है, तो जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर के इस निर्णय के खिलाफ तत्कालीन नागपुर हाईकोर्ट में उसका अपील किया गया, कि अब इसका अपील किए ऊपर, तो न्यायमूर्ति श्री नियोगी ने 10 में से 4 अभियुक्तियों को क्या कर दिया था, छोड़ दिया है। 10 में से 4 को क्या कर दिया है, छोड़ दिए हैं। और बात करें 26 जून 1946 को मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के आदेश पर सभी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया है। तो कब छोड़ दिए हैं, 26 जून 1946 को रायपुर षड्यंत्र केस के लोगों को सबको बरी कर दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेन मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो डालते रहूँगा जो हमारे CGPSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।